वेलकम टू क्रेट्रिक्स चैनल द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें। ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा और हमारी कोई भी वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, मैं आपके साथ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करना चाहूंगा बेटा। तो लेट्स स्टार्ट, दिस इज माई इंट्रो। I have 6 years teaching experience in field of gate and ESC. These are my subjects. This is our Kreatryx team. ये Unacademy Plus के platform पर available है India's best educators, अंकित सर, विशाल सर, कामेश सर, अजय सर, शंकर सर, प्रमीत सर और खेमंदर सर। So students, सबसे पहला आपका क्या काम है, इस video को share करना है बहुत ज्यादा, channel को viral कर देना है और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट के माइंड में कि सर हम अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन क्यों लें। तो बेटा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एडवांटेजेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहां आपको पहले तो डेली लाइव सेशन मिलेगा, वो भी क्या फिक्स टाइम पर, इसलिए आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तैयारी रेगुलर इंटरवल में करते रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, यहां पर जो कंटेंट मिलेगा आपको वो स्ट्रिक्टली गेट एंड ईएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक, दैट्स अवर प्रॉमिस। थर्ड पॉइंट, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स जिनके अपने काफी क्रेडेंशियल्स हैं उनके अंडर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरा, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के हमारे कोर्स तो आप देख सकते हैं साथ के साथ, और डिफरेंट एजुकेटर्स के कोर्स भी देख सकते हैं। क्रैश कोर्स, अब देखिए क्रैश कोर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपने नेटवर्क कंप्लीट कर लिया और आप एकदम से रिविजन करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट एजुकेटर्स के नेटवर्क पे कोर्सेज मिल जाएंगे, पावर सिस्टम पे एज ए क्रैश कोर्स आपका रिवीजन हो जाएगा। थर्ड फिफ्थ पॉइंट है, आपका पूरा सिलेबस गेट और ईएससी का टारगेटेड टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, बिफोर योर एग्जाम। लेक्चर जो है यहाँ बेटा हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल है, अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं। आपका जब तक कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, अगर आप लाइव इंटरेक्ट करते हैं हमारे एजुकेटर के साथ और आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहां पर क्वेश्चन एजुकेटर से रियल टाइम में पूछ सकते हैं और वहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप खुद देखिए कितना आपके लिए एडवांटेजेबल हो रहा है कि आपको टीचर्स का वेट नहीं करना पड़ रहा, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में होता है हमारे टीचर्स के से अपना टाइम लेना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो अनअकैडमी प्लस में कितना बड़ा एडवांटेज है यहाँ पर कि आपका जो डाउट है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप लैपटॉप कंप्यूटर और फोन से एक्सेसिबल कर सकते हैं अपना इस कोर्स को। मान लीजिए आप ट्रेवलिंग में कहीं बाहर हैं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तब भी आप अपने फोन से जो हमारे पास एक हमेशा अवेलेबल रहता है उससे अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। और तैयारी में मैंने हमेशा ये देखा है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी चीज के लिए तो आप कंटिन्यूसली, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। दूसरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताऊंगा, वीकली टेस्ट तो है ही है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा डाउट सेशन। तो डाउट सेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इससे क्या है, आप जैसे ही कोई पूरा का पूरा पढ़ते हैं तो बेटा आप सीधा डाउट जो है तीन क्लासेस के बाद डाउट दिया गया है डाउट सेशन, आपने जो भी पढ़ा तीन क्लासेस में अगर आपको डाउट है तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, हमारे एजुकेटर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल, इस प्लेटफॉर्म पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लिया जाए। तो बेटा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप साइट पे जाइए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में अपना गोल सेट करिए गेट एंड ईएससी, स्टेप थर्ड में सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करिए, ठीक बेटा। उसके बाद अपनी सहूलियत के हिसाब से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जैसे आप मान लीजिए थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर में 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, फर्स्ट ईयर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, 4 ईयर में उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा आफ्टर कॉलेज, आप तभी डिसाइड कर पाएंगे अपना पूरा का पूरा
कि मुझे आगे अब क्या करना है और राइट टाइम पे आपका पेपर क्रैक भी हो जाएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट लेने के लिए आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं राहुल11। तो बेटा मेरा ही कूपन कोड नहीं, अंकित सर का, विशाल सर का, ठीक है, जितने हमारे एजुकेटर्स हैं आप इनका कोड अप्लाई कर सकते हैं और आप सभी को उन्हीं के कोड पर 10% सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो मेरा कोड अप्लाई करके राहुल11 आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में। पेमेंट ऑप्शन बेटा आप ऑनलाइन दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक साथ पेमेंट ना करके आप ईएमआई पर भी ऑप्शन अब अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो बेटा बी द पार्ट ऑफ दिस मिशन गेट एंड ईएससी 2021 और अपनी तैयारी को आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और कितना इंपॉर्टेंट टाइम है ये आपके लिए और लॉकडाउन में तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। बेटा मैं इससे पहले आपको इल्यूमिनेशन पे 2 क्लासेस दे चुका हूँ जिसके अंदर मैंने इल्यूमिनेशन क्या होता है उसकी बेसिक डेफिनेशंस, लाइटनिंग स्कीम किस टाइप से लाइट कितने परसेंट नीचे डाउनवर्ड अपवर्ड हर तरीके की सेमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट विद पिक्स बनाकर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा है। और मैंने एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा ये कोर्स आपको दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिस पॉइंट से वही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट, शेयर जरूर करना वीडियो को। और दूसरी बात, मैं ये वीडियो बना रहा था एक दो बार तो कुछ यहाँ पर मार्क हो रखा है तो उससे माइंड मत करिएगा, मैं उसे आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो बेटा सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे हम डिजाइन ऑफ इंडोर लाइट स्कीम। तो बेटा मैंने आपको लाइटिंग स्कीम सारी की सारी पढ़ाई थी, ठीक है, उसी में इंडोर लाइटिंग स्कीम के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब आप कभी डिजाइनिंग करेंगे लाइट के लिए इंडोर में तो आपका कुछ पर्पस होगा। पहला क्या, एडिक्वेट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसमें क्या, एडिक्वेट इल्यूमिनेशन में कि ना तो आपको ज्यादा लाइट दे दी है ना ही आपको कम, आपको अकॉर्डिंग टू इंडोर सिचुएशन एंड आपका क्या वर्क रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, लक्स प्रोवाइड कराना है यानी लाइट प्रोवाइड करानी है। सेकंड पॉइंट में बेटा आपकी जो लाइट होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी लाइट, ठीक है, ऑल ओवर वर्किंग प्लेन में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कोने में गए रूम के तो आपका लक्स कुछ और हो गया और दूसरे रूम मतलब दूसरे कोने में जाने में रूम के लक्स की वैल्यू में वेरिएबल हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए आपकी लाइट। थर्ड पॉइंट है बेटा आपको जो ग्लेयर्स होते हैं वो अवॉइड करने होते हैं, ठीक है। ग्लेयर्स क्या करते हैं, हमारी आंखों को डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें रिमूव करने के लिए हम रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और शेडोज को रिमूव और अपने रूम के अंदर हमें शेडोज को भी रिमूव करना होता है, ठीक है। तो जितनी कोशिश हो कि शेडो और ग्लेयर कम से कम, आखिरी है सुटेबल कलर, ठीक है, अपनी वर्किंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें सुटेबल कलर को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर द लाइट स्कीम। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका था, कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन, डेप्रिसिएशन फैक्टर, स्पेस हाइट रेशियो, यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इल्यूमिनेशन लेवल एंड क्वालिटी ऑफ लाइट, ओके गाइस। तो लेट डिस्कस वन बाय वन। तो इल्यूमिनेशन लेवल से क्या मतलब है वो देखते हैं बेटा। इल्यूमिनेशन लेवल का मतलब क्या होता है, देखिए हर एक वर्क रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग टाइप की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप कोई प्रिसाइज वर्क कर रहे हैं तो आपको अलग तरीके की लाइट चाहिए, और अगर आप कोई नॉर्मल वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मल वर्क के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइट का लेवल होना चाहिए। तो किस वर्क किस जगह पे कितनी लाइट होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आप कोई प्रिसाइज वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा आपको मैक्सिमम लक्स का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, अबव 500 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। एग्जाम में पूछा जाता है
कि किस प्रकार के वर्क के लिए या किस टाइप के वर्क के लिए इल्यूमिनेशन लेवल हाईएस्ट होना चाहिए, तो आप रिप्लाई करेंगे सर इट्स हाईएस्ट फॉर प्रिसीजन वर्क। सेकंड पॉइंट इज दैट आपका जो प्रूफ रीडिंग होता है इसमें भी आपको इल्यूमिनेशन लेवल हाई चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन में आपको प्रूफ रीडिंग ही मिलेगा। प्रूफ रीडिंग मतलब जहां पर आपको बहुत बारीक काम करना है लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, आपको कहीं टेस्टिंग है, पब्लिकेशन बुक्स हाउस है, न्यूज़पेपर हाउस है, तो वहां पर आपको प्रूफ रीडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है, जिससे आप एरर्स को फाइंड आउट कर सकें। अब देखिए हर एक म्यूजियम्स के लिए अलग तरीके का रिक्वायरमेंट है। यूजुअल ऑब्जर्वेशन बेडरूम्स वेटिंग रूम ऑडिटोरियम जनरल लाइटनिंग के लिए 20-40 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, और आखिरी में सबसे मिनिमम जो चाहिए होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको मैक्सिमम वाला ध्यान में रखना है, मिनिमम वाला ध्यान में रखना है, और इनकी वैल्यूज को भी याद रखना है। हॉस्पिटल वार्ड्स, यार्ड्स, रेलवे प्लेटफॉर्म एंड कॉरिडोर्स, ठीक है, सबसे मिनिमम इसके अंदर हमें चाहिए होता है इल्यूमिनेशन लेवल। लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी ऑफ लाइट। तो बेटा क्वालिटी ऑफ लाइट में क्या है, आपका जो लाइट होना चाहिए वो ग्लेयर फ्री, शेडो फ्री, कॉन्ट्रास्ट फ्री होना चाहिए, और इन्हें कैसे कम कर सकते हैं, ग्लेयर का तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्टर हम इसे कम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। दूसरा क्या है, शेडो को रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ लैंप्स का इस्तेमाल करके यूज करके हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, और एडजस्टिंग द माउंटेन हाइट, माउंटेन हाइट को भी एडजस्ट करके हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा फ्लूड लाइटिंग क्या होती है, फ्लूड लाइटिंग देखिए आपको मैं सिंपल सा बताऊंगा, कोई लार्ज सरफेस एरिया है उसके ऊपर बड़े बड़े लैंप्स के द्वारा लाइट को अगर फॉल किया जाए तो वो फ्लूड लाइटिंग होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा क्रिकेट स्टेडियम। क्रिकेट स्टेडियम जब डे नाइट मैचेस होते हैं तो रात के टाइम में जो लाइट होती है इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूड लाइटिंग। तो आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां कहां पर यूज की जाती है, तो आप देखिए मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस बिल्डिंग, ओकेजंस पर इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने अपनी सिटी में अगर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए एक बहुत बड़ा बैनर लगा होगा, उस बैनर के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, लैंप्स द्वारा लाइट को प्रोजेक्ट करा रहे हैं, है कि नहीं गाइस। तो फॉर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल पर्पस, रेल यार्ड्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम एंड क्वेरीज, ठीक है, तो दिस इज द प्लेस वेयर वी यूज फ्लूड लाइटिंग। स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, अगर साउंड में थोड़ा सा इको हो रहा होगा क्योंकि मैं एक ऐसे रूम में बैठ के बना रहा हूं वीडियो को, ठीक, तो प्लीज माइंड मत करना, सपोर्ट करना, क्योंकि कंटेंट मैं आपको एग्जाम पर्पस के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूं। सेकेंड है फ्लूड लाइटनिंग में कितने रेटिंग के लैंप्स यूज करते हैं, तो 250, 500, 1000 वॉट गैस फिल्ड टंगस्टन लैंप। तो आप ये देखिए, ये एग्जाम्पल है हमारा फ्लूड लाइटनिंग का, क्रिकेट स्टेडियम है और उसके ऊपर लाइट प्रोजेक्टेड की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से। सोर्सेज ऑफ इल्यूमिनेशन पे चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। बेटा लाइट को हमने कंट्रोल करना पड़ लिया, लाइट के लिए डिजाइनिंग भी पढ़ ली, लेकिन लाइट को प्रोड्यूस कैसे करते हैं इलेक्ट्रिकल में वो जानना बहुत जरूरी है। तो लाइट को प्रोड्यूस करने के बेटा यहाँ पर तीन तरीके हैं। पहला आर्क प्रोड्यूस करके, ठीक है, आर्क को डेवलप करके, तो वो कौन सा लैंप होगा, आर्क लैंप, बाय पासिंग ए करंट थ्रू द फिलामेंट लैंप, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द वेपर गैस, मर्करी वेपर लैंप, नियॉन लैंप, सोडियम वेपर लैंप। ओके गाइस, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स कि जहां पर आर्क के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है लाइट तो उसे क्या बोलेंगे, आर्क लैंप। जहां पर करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है लाइट, इट इज फिलामेंट लैंप, और जहां पर गैस और वेपर के द्वारा प्रोड्यूस करी जा रही है लैंप लाइट उसे क्या कहेंगे, मर्करी वेपर, नियॉन लैंप एंड सोडियम वेपर लैंप। तो आर्क लैंप के बारे में बात करते हैं बेटा, तो आर्क लैंप को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आर्क लैंप थे बेटा पुराने टाइम में यूज होते थे, कहां यूज होते थे, आर यूज्ड इन ओल्ड डेज। आज ये
कुछ जगह पे ही यूज होते हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क को प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं, जो लाइट है उसे प्रोड्यूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कार्बन आर्क लैम्प। कौन सा? कार्बन आर्क लैम्प। और किस लिए यूज करते थे? ओल्डन डेज में एक्सट्रीम ब्राइटनेस रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले टाइम में इतना कंट्रोल नहीं कर पाते थे हम लाइट के इंटेंसिटी वगैरह पर, तो एक्सट्रीम ब्राइटनेस जहां पर रिक्वायरमेंट होती थी वहां पर हम आर्क लैम्प का यूज करते थे। नेक्स्ट बेटा, सिनेमा प्रोजेक्टर्स में आज भी आर्क लैम्प का यूज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल यही पूछा जाता है कि कार्बन है आर्क लैम्प का यूज कहां करते हैं, सिनेमा प्रोजेक्टर्स में एंड सर्च लाइट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कार्बन का यूज क्यों करा? बिकॉज इट प्रोवाइड हाई रेजिस्टेंस। ओके गाइस, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको अपने माइंड में याद रखनी है बेटा कि एक इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा वो डबल होगा नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से इसके अंदर, यानी साइज ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ऐसा क्यों, इसे भी आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज जनरली फिक्स्ड। ठीक है, आपको याद रखना है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होगा बेटा वो तो फिक्स्ड होगा, और आपका जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा वो मूवेबल होगा। बट जब ऑफ कंडीशन होगी तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, आपस में अटैच्ड होते हैं। ऑन कंडीशन में पॉजिटिव वाला पीछे चला जाएगा ड्यू टू द व्हेन द टेम्परेचर इज गोइंग हाई। ठीक, और जो आर्क प्रोड्यूस होगा किस एनवायरमेंट में होगा, कार्बन वेपर सराउंडेड। ठीक है, यानी बर्निंग कार्बन एंड पेल ग्रीन फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट चलते बेटा, द सप्लाई इज ऑन, लार्ज करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोड, ऑब्वियस। और जब करंट फ्लो होता है तो हमें पता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आता है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव वाला होगा बेटा इज पुल्ड अवे अगेंस्ट, जैसे मैंने अभी बताया था, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस बाय कॉइल। ठीक, तो क्या होगा, इनके बीच में कार्बन गैस आ जाएगी। जैसे ही हमारा ये इलेक्ट्रोड मूव होगा तो बेटा ऑन मूविंग ऑफ इलेक्ट्रोड इनके स्पेस में बीच में क्या आ जाएगी, कार्बन। और इसी कार्बन एनवायरनमेंट में दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, इस गैस को आयोनाइज करके इनके बीच में आर्क प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आर्क इज मेंटेन्ड बाय, कैसे होता है, इज मेंटेन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। ठीक, सो लेट्स मूव। तो बेटे देखिए, दिस इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ कार्बन लैम्प, और मैंने यहां पर चीजों को पहले से ही लिख दिया है आपके लिए जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। आई यूज ब्लैक कलर। तो बेटा देखो, खुद यहां पर ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, साइज जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का ग्रेटर है। ठीक है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसका साइज क्या है, एज कंपैरिजन टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज स्मॉल। और इनके बीच में क्या फिलअप होती है, यहां पर कार्बन। ओके बेटा, तो कार्बन जो प्रोड्यूस है इसी एनवायरनमेंट में क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा आर्क। तो यहां पर जो सप्लाई वोल्टेज होती है, इग्निशन वोल्टेज कितना चाहिए, 100 वोल्ट। और इनके बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा आर्क में वो कितना होगा, 60 वोल्ट। और यहां पर इंपॉर्टेंट है, हमारा एक रेजिस्टेंस लगा होता है आर। इस आर रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं सप्लाई के साथ टू स्टेबलाइज द आर्क। ओके गाइस, तो आई होप मैंने सारे पॉइंट यहां पर क्लियर कर दिए हैं। आपको इन पॉइंट्स को बस मेमोराइज और अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बेटा, कुछ जब हम लैम्प का यूज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम हमारा जो ऑपरेशन है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाला जो होगा, आफ्टर सम ऑफ ऑपरेशन, टाइम ऑफ ऑपरेशन, इट विल बिकम होलो एंड नेगेटिव बिकम पॉइंटेड। सो दैट्स व्हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज मेड देन डबल देन नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यानी कुछ समय के बाद जो पॉजिटिव वाला है उसका क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होके वो होलो हो जाएगा, और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉइंटेड हो जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, जो पॉजिटिव वाला होता है यानी वो कंज्यूमेबल है,
85% ऑफ लाइट विल आपकी क्या होगी, विल रिड्यूस, मतलब आपको जो 85% लाइट मिलेगी वो किससे मिलेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से, 10% लाइट मिलेगी आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, 5% लाइट मिलेगी आपको एयर से, ठीक है। अब लास्ट में ये वाली जो पॉइंट्स है बेटा, इन्हें प्लीज अपने माइंड में रखना, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, कितना ल्यूमन एफिशिएंसी होता है कार्बन लैंप का, तो 9 ल्यूमन पर वॉट एंड 12 ल्यूमन पर वॉट। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में ये बुक्स के साथ डाटा वेरी करता रहता, अगर आप किसी बुक में देखेंगे तो 9 है और किसी और बुक में देखेंगे तो आपको 12 ल्यूमन पर वॉट मिलेगा। तो बेटा आपको दिमाग में क्या रखना है, अगर आपको 9 मिलता है ऑप्शन में तो 9 इज करेक्ट, और अगर 12 मिलता है तो 12 इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर आपको दोनों मिलते हैं देन दिस इज द एम्बिगुअस क्वेश्चन, इस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। तो मूव करते हैं बेटा आगे, तो आई होप यहाँ पर हमारा कार्बन आर्क लैंप पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। बेटा सपोर्ट करना, लाइक करना, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, ठीक, जिस तरीके का आपने मेरे पहले वीडियो पे और दूसरे वीडियो पे रेस्पॉन्स दिया है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना फॉर क्रिएट्रिक्स टीम। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा फिलामेंट यानी इनकैंडेसेंट लैंप, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराने ओल्डर डेज में आपने वो येलो कलर वाला बल्ब जरूर देखा होगा। तो येलो कलर वाला जो बल्ब है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, यानी अगर हम हाई रेजिस्टिव मेटल एलिमेंट में से अगर करंट को फ्लो कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट, और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो बेटा टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, और पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर विल बी अ रेडिएंट एफिशिएंसी विल गोस इंक्रीजेस, और उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, लाइट भी मिलेगी। तो इसी प्रिंसिपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करके हम क्या करते हैं, फिलामेंट लैंप के अंदर लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक बेटा। तो यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो फिलामेंट होता है लैंप का, इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइन वायर ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल प्लेस्ड इन इवैक्यूएटेड ग्लास लैंप, और इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है बेटा 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहां पर टंगस्टन एलिमेंट मतलब हाईली रेजिस्टिव होता है, उसे फाइन वायर में ड्रॉ करके हम बल्ब को क्रिएट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसके चारों तरफ और फिर ग्लास में उसे पंच कर देते हैं। तो ये तो सब आपको पता ही है, आइए डायग्राम से क्लियर करते हैं चीजों को। दिस इज द डायग्राम ऑफ लैम्प, अपना इनकैंडेसेंट लैम्प या फिलामेंट लैम्प। तो देखिए बेटा यहां पर आपको कैप दी है, लेड स्टेम ट्यूब होल, दिस इज अवर ग्लास बल्ब, दिस इज फिलामेंट बटन, सपोर्ट लीड्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहली बात तो इसमें वैक्यूम होता है, इस बल्ब के अंदर क्या होता है बेटा, वैक्यूम होता है, और उस वैक्यूम का ऑर्डर कितना होता है, 10^-4 मिलीमीटर एचजी, ये बेटा एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज कीप इन माइंड। क्यों देते हैं वैक्यूम, क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, अगर इसमें एयर होती तो बेटा एयर क्या हो जाएगा, एयर ऑक्सीडाइज हो जाएगी, और उस ऑक्सीडाइज एयर की वजह से फिलामेंट क्या हो जाएगा, वेपराइज्ड हो जाएगा और पूरा बल्ब हमारा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसे के अंदर गैसेस को फिल किया जाता है, आर्गन एंड नाइट्रोजन, ठीक। अब जब कोई बॉडी हमारी हीट होगी तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे हमें हीट भी मिलेगी, तो इस बल्ब के से जो हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, इट इज विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो हीट को ट्रांसफर करने के तीन तरीके होते हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेडिएशन के द्वारा हीट ट्रांसफर होती है इनकैंडेसेंट लैंप से, ठीक। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा, ये जो टंगस्टन होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ये रेंज याद रखेंगे 330-2350 सेंटीग्रेड। इसे बनाने का एक प्रोसेस होता है, उसे कहते हैं वायर ड्राइंग, इसे प्लीज याद रखें, और इस शेप को हेलिक्स शेप भी बोलते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन समराइज होता है कि कौन सा ऐसा लैंप है जिसका पावर फैक्टर 1 होता है, तो बेटा पावर फैक्टर यूनिटी होता है इनकैंडेसेंट लैंप का, बिकॉज इट इज हाईली रेजिस्टिव। तो यहां पर कोई इंपीडेंस भी हमारा क्या है, प्योर रेजिस्टिव, तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। और 0 वाट बल्ब पे क्वेश्चन हमेशा आता है, 0 वाट बल्ब आपने देखा होगा, स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट कलर के बल्ब आते हैं, तो ये जो बल्ब है नाम का 0 वाट है, बट इट विल बी कंज्यूम 5 to 10 वाट पावर कंजप्शन। आई होप आपको समझ में आया हो, तो इसलिए याद रखिएगा, अगर 5 वाट आता है तो वो भी राइट है, और अगर इसके 10 वाट के अराउंड कहीं रीडिंग मिलती है तो वो भी सही है, ठीक है, 5 to 10 वाट। तो आई होप आपको इनकैंडेसेंट लैंप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा नेक्स्ट एग्जाम में जो है फिलामेंट की प्रॉपर्टी बहुत आती है, इनमें से ऑप्शंस में दी होती हैं, तो सबसे पहले याद है रखिएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जाहिर सी बात है क्योंकि फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करता है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 330-2350 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा अगर हाई रेजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो हाई रेजिस्टेंस हीट ज्यादा होगी डिसिपेट, और हीट ज्यादा तो टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर कोफिशिएंट। बेटा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर बहुत कम होती है, क्यों, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम रखने का रीजन ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन विल नॉट हैव टू बी चेंज, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं होना चाहिए, और नॉट, ठीक है, चेंज एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। लो वेपर प्रेशर, मैंने पहले ही बताया फिलामेंट को वेपराइज नहीं होने देना हमें। हाई डक्टाइल, सो इट मे विदस्टैंड मैकेनिकल वाइब्रेशंस, ठीक है, डक्टाइल है तभी बेटा हम उसे फाइन वायर्स में, यानी बहुत फाइन फिलामेंट, जो फिलामेंट होता है बहुत फाइन वायर होता है, उसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डक्टाइल नेचर नहीं होगा मटेरियल का, इट विल बी ब्रोकन डाउन। ओके गाइस, इनकैंडेसेंट लैंप कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा जो ल्यूमन का आउटपुट होता है वो करंट की पावर 5 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इट इज प्रोपोर्शनल टू करंट की पावर 5। लाइफ ऑफ द लैंप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज की पावर 30, इफ द हाई वोल्टेज देन लाइफ विल ऑफ द लैंप विल डिक्रीज्ड। वॉटेज क्या होती है, वोल्टेज की पावर होती है 1.43, ठीक, यानी नेक्स्ट है हमारा ल्यूमन वॉट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, दिस इज एफिशिएंसी। और बेटा ल्यूमन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज भी आता है, इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज की पावर 3.33, ऑप्शन में कभी कभी दिया होता 3 to 4, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गाइस यहां पर इसमें जो रेंज होगी पावर की वो 1 to 2 तक वेरी भी कर सकती है, और यहां पर एफिशिएंसी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज स्क्वायर के, तो प्लीज इन्हें आप अपने माइंड में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट लैंप, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, सोडियम वेपर लैंप, ठीक है बेटा। सोडियम वेपर लैंप से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि ऐसा कौन सा लैंप होता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप विल हैव हाई स्टार्टिंग वोल्टेज एंड लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है, हाई स्टार्टिंग वोल्टेज एंड लो ऑपरेशन ड्यूरिंग, लो वोल्टेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक है। सो एट स्टार्टिंग ऑफ वोल्टेज ऑफ 450 वोल्ट, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको कितना वोल्टेज लगाना पड़ता है, 450 वोल्ट, बट आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स इट्स वोल्टेज गेट डिक्रीज्ड, 150 वोल्ट पे आ जाता है बिकॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। ये लाइन भी आपको अपने माइंड में रखनी है, बिकॉज ऑफ लो पावर फैक्टर। तो बेटा ये जो 10 टू 15 मिनट्स दिए हैं
इसका एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि ये जो लैंप होता है इसे फुल्ली ग्लो करने में 10 टू 15 मिनट लगते हैं, सबसे ज्यादा टाइम लेता है सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर, देखिए अभी हमारा जो है वोल्टेज ड्रॉप हुआ ड्यू टू द लो पावर फैक्टर, क्योंकि हम गैस को आयोनाइज करते हैं तो इस रीजन में हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या हो गया लो। फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ेगा अक्रॉस सप्लाई टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर। दूसरा बात है सोडियम वेपर लैंप किस तरीके की लाइट देता है, इट इज गिव यू द येलोइश कलर लाइट। ओके, कैसी कलर लाइट मिलेगी आपको, येलोइश कलर लाइट आपको मिलेगा। नेक्स्ट बेटा कुछ, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोडियम वेपर लैंप, आप इस डायग्राम में देखिए, अभी मैंने बताया कैपेसिटर लगाया जाता है सप्लाई के अक्रॉस टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। दिस इज ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का पर्पज होता है गैस को आयोनाइज करने के लिए, फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ गैस वी हैव टू अप्लाई हाई वोल्टेज, तो ये प्रोवाइड कराता है हाई वोल्टेज। ठीक गाइज, एक बात और याद रखिएगा, सोडियम वेपर लैंप में, प्लीज कीप इन योर माइंड, सोडियम वेपर लैंप में आयोनाइजेशन वोल्टेज इज स्टार्ट एट 5 वोल्ट, आयोनाइजेशन वोल्टेज इज स्टार्टिंग एट 5 वोल्ट, इग्निशन वोल्टेज इज अराउंड 400 to 600 वोल्ट, और आपका 450 वोल्ट अभी मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आपने प्लीज माइंड में रखिएगा। दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो कैसा कलर देता है, पिंक कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि कौन सा ऐसा लैंप है जो अपने स्टार्टिंग में पिंक कलर लाइट देता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप विल गिव यू द सोडियम वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप विल गिव यू द पिंक कलर लाइट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। नेक्स्ट है, सोडियम वेपर लैंप जब फुल्ली ग्लो होता है तो किस कलर की लाइट देता है, येलोइश। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम वेपर लैंप। ठीक गाइस, सो लेट्स मूव मर्करी वेपर लैंप। तो बेटा मर्करी वेपर लैंप से जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ उसके टाइमिंग पे और किस कलर की लाइट देता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आता है। तो लेट्स डिस्कस मर्करी वेपर लैंप। तो व्हेन द सप्लाई इज स्विच्ड ऑन तो क्या होगा इसमें, फुल, हाँ एक ये बात याद रखिएगा, फुल वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस मेंस एंड स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो क्या होगा, अप्लाई करने पे लैंप क्या होगा, वार्म अप होगा, और मर्करी क्या होगा, वेपराइज्ड होगा। एज वी ऑलरेडी नो दैट द मर्करी हैविंग वेरी वोलेटाइल नेचर, थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एकदम से वेपराइज्ड हो जाता है और इंक्रीज द वेपर प्रेशर। तो इंक्रीज वेपर प्रेशर की वजह से आयोनाइजेशन में हमें क्या लगता है, कम टाइम लगता है। ठीक, और हमें क्या मिलेगी, इट विल टेक शेप ऑफ इंटेंस आर्क। कितने टाइम बाद ये ग्लो हो जाता है, इट विल टेक 5 मिनट्स टू गिव फुल लाइट। आपको फुल लाइट देने में सिर्फ इसे कितना टाइम लगता है, 5 मिनट्स, और वहीं पर आपको एज कंपेरिजन टू सोडियम वेपर लैंप इट विल टेक 10 to 15 मिनट्स। कितना टाइम लग रहा था, 10 से 15 मिनट का। दूसरा क्या है, ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन दिस लाइन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ग्रीन ब्लू कलर लाइट, ग्रीनिश ब्लू कलर लाइट आपको मिलती है मर्करी वेपर लैंप से। तो कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज द डायग्राम ऑफ मर्करी वेपर लैंप। दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मर्करी वेपर लैंप जो है सिमिलर होती है सोडियम वेपर लैंप के जैसे। ठीक है गाइस, यूज फॉर इंडस्ट्रियल लाइटिंग, रेलवे यार्ड्स, वर्क एरिया एंड सो शॉपिंग सेंटर। एफिशिएंसी इज अराउंड 30 to 40 ल्यूमन पर वॉट। ठीक है, ओके गाइस, तो
हमने अभी तक काफी इंपॉर्टेंट लैंप्स हैं डिस्कस कर लिए, कार्बन आर्क लैंप हमने डिस्कस करा, फिलामेंट लैंप डिस्कस कर लिया, सोडियम वेपर लैंप हमने डिस्कस कर लिया, मर्करी वेपर लैंप भी डिस्कस कर लिया। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। कुछ भी कंटेंट मैं एग्जाम के बाहर का नहीं दे रहा हूँ, जो एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको चीजें रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो डोंट माइंड। नेक्स्ट एंड सपोर्ट Kreatryx टीम एंड चैनल। नेक्स्ट है बेटा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस इल्यूमिनेशन, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें लो प्रेशर पर मर्करी वेपर्स होते हैं, याद रखना लो प्रेशर, प्लीज कीप इन माइंड लो प्रेशर पे, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एग्जाम्स में आते हैं। दूसरी बात है, इसमें जो डायमीटर होता है ट्यूबलाइट का, इट विल फिक्स्ड 2 mm, 2 mm डाया, बट द लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट इज 0.6 meter, 1.2 meter, 1.5 meter इन लेंथ। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कितने प्रेशर पे होती है आपके मर्करी वेपर या आर्गन गैस इन ट्यूबलाइट, 2.55 mm ऑफ एचजी। ये जो आर्गन होती है, आर्गन गैस फिल होती है, तो ये कितने पॉइंट पे होती है, 2.55 mm ऑफ एचजी, ठीक है? क्लियर, आगे मूव ऑन करते हैं। लो प्रेशर ठीक, आगे डायग्राम देखते हैं बेटा। इससे पहले जाने से पहले, जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें देती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के को यूज करेंगे ट्यूबलाइट में, ठीक है, तो हमें डिफरेंट कलर्स मिलेंगे। जैसे जिंक सिलिकेट का यूज करेंगे मटेरियल तो हमें ग्रीन कलर मिलेगा, कैल्शियम टंगस्टन का मटेरियल यूज करेंगे तो हमें ब्लू कलर मिलेगा, कैडमियम बोरेट का अगर हम यूज करेंगे तो हमें पिंक कलर मिलेगा, और कैल्शियम होलो फॉस्फेट का यूज करेंगे तो हमें वाइट और डे लाइट कलर मिलेगा, और मैग्नीशियम टंगस्टन का यूज करेंगे तो ब्लूइश वाइट मिलेगा। Please make sure you have to revise the data before exam, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती हैं। तो मैंने आप ही को एक ही जगह पर प्रेशर, मतलब ये पूरा का पूरा टेबल बना के दे दिया है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्पेशली कैल्शियम बोरेट वाला और मैग्नीशियम टंगस्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अवर डायग्राम ऑफ अवर फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट। सो बेटा यहां पर देखिए आप, हियर वी यूज चौक। तो चौक का यूज क्यों करते हैं, फॉर आयोनाइजेशन ऑफ गैस। तो जब हम गैस का आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए हमें सप्लाई के अक्रॉस क्या लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट are done by connect capacitor across supply. Okay guys, please. Second point is that here we used a bimetallic strip. Okay, so bimetallic strip में क्या होता है, जो आपका थर्मल कोफिशियंट होता है दोनों का डिफरेंट डिफरेंट होता है, मतलब अगर आप इन्हें हीट करेंगे तो इनमें से एक जो मटेरियल होगा वो बहुत जल्दी एक्सपेंड होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है डिफरेंट टेम्परेचर कोफिशियंट, डिफरेंट थर्मल या टेम्परेचर coefficient. Here guys, we used fluorescent material okay guys so
व्हाट इज फ्लोरसेंट मटेरियल? तो बेटा फ्लोरसेंट मटेरियल, आपने जो ट्यूबलाइट देखी होगी तो वो व्हाइट कलर की होती थी। अगर कभी आपने ट्यूबलाइट को ब्रेक किया होगा, तोड़ा होगा, तो उसमें से व्हाइट कलर का पाउडर हमें मिलता था। वो जो व्हाइट कलर का पाउडर होता था वही हमारा फ्लोरसेंट मटेरियल है। और इसका जो मेन पर्पज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट एब्जॉर्ब यूवी रेस एंड रिफ्लेक्ट विजिबल लाइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें ये सारी रेज होती है। तो जब फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट हमारी गैस आयोनाइज्ड होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल, तो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है। तो उस रीजन की वजह से जो विजिबल स्पेक्ट्रम है सिर्फ वही फ्लोरोसेंट मटेरियल से बाहर आ पाता है, जिसकी वजह से हम एनवायरमेंट में चारों तरफ देख पाते हैं, ठीक है। और बाकी क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेस को, बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्पेक्ट्रम, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट की वजह से स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है। तो बेटा इस इफेक्ट में क्या होता है ना, कि आपको जो मूविंग चीज है या तो वो स्टेशनरी दिखाई देती है या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देती है। तो इसलिए इंडस्ट्री के अंदर फ्लोट ट्यूबलाइट का यूज नहीं करते। जहां पे भी मशीन्स वगैरह का वर्क होता है, वी विल यूज सोडियम वेपर लैम्प, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस है बेटा, नॉइस क्रिएट करती है ये, नॉइस इन द सेंस इट विल क्रिएट नॉइस इन द फॉर्म ऑफ रेडियो इंटरफेरेंस। रेडियो इंटरफेरेंस मतलब, आप अगर ट्यूबलाइट को कभी भी आपने ऑन करेंगे, कभी आपने ऑब्जर्व करा होगा, तो उसके पास कोई एक रेडियो रख दीजिएगा चला के, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही आप ट्यूबलाइट ऑन करेंगे तो एट द टाइम ऑफ ग्लो, जब हमारी ट्यूबलाइट जलती है, ठीक है, स्टार्ट होगी, तो रेडियो के अंदर हिसिंग नॉइस आएगा, तो वो जो नॉइस है दैट इज कॉल्ड रेडियो इंटरफेरेंस। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ दिस ट्यूबलाइट इज हाई। ऑफ कोर्स बेटा देखो, उसमें चौक भी है, कैपेसिटर भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरोसेंट मटेरियल वी आर यूजिंग, बायोमेटेरियल स्ट्रिप वी आर यूजिंग, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कॉस्ट हाई। तो ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स आई एम डिस्कस विद यू टेक अबाउट फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट। This is the working. Chalk is connected in series with the tube light, act as a blast and provide high voltage at starting low. ये मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा है, at the same time during running condition, the same chalk absorbs some voltage and remain a voltage of 100 volt across the 110 volt across the tube light. Capacitor is connected to the improve the power factor. Already explained. Now, this is very important part. मैंने स्पेशली ये रखा है क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं ल्यूमिनस एफिशिएंसी को लेके। क्यों? क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट डाटा है, 40 टू 60 दे रखा है किसी में, तो उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? रीजन है बेटा ट्यूबलाइट की लेंथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है कि ट्यूबलाइट का आप ल्यूमन एफिशिएंसी बताएं, तो पहले ये जरूरी है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ एंड स्टैंडर्ड पावर रेटिंग, ठीक है। तो दीज बोथ फैक्टर डिसाइड द ल्यूमन एफिशिएंसी। इफ द 5 फीट लॉन्ग ट्यूबलाइट ऑफ 80 वॉट, तो ये भी पूछ लेगा आपसे कि 5 फीट वाले की रेटिंग कितनी होगी, तो यहां पर 58, 4 फीट 40 वॉट 60 ल्यूमन एंड 2 फीट 20 वॉट इट विल बी 46 ल्यूमन, ठीक है, पर वॉट। ओके गाइस, तो ये आपको पर वोल्ट
पे भी आ जाए। अभी स्पेशली इन सम एग्जाम आई थिंक आरआरबी जेई एग्जाम कंडक्टेड इन लास्ट ईयर, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, नियॉन लैंप, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस नियॉन लैंप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेटा, ड्यू टू द वर्किंग एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे काम करने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, कोल्ड कैथोड डिस्चार्ज लैंप, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग वगैरह कंस्ट्रक्शन नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, यहां मैंने दे रखी है डिटेल, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इट गिव्स रेड कलर लाइट विद मिक्सचर ऑफ मर्करी, यानी एच जी प्लस नियॉन को मिलाएंगे तो आपको रेड कलर लाइट मिलेगी, और अगर आप आर्गन प्लस नियॉन को मिक्स करेंगे तब आपको ग्रीन कलर लाइट मिलेगी। प्लीज रिमेन इन योर माइंड। एंड स्टार्टिंग वोल्टेज सबसे ज्यादा हाईएस्ट आपको नियॉन में मिलेगा, स्टार्टिंग ऑपरेशन इज 1000 वोल्ट, अराउंड 10k वोल्ट। बेटा समवेयर इन सम बुक इट इज 2 to 6 kV ऑल्सो, अगर ये भी दिया है तो भी ये भी राइट है, इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर। दिस हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ नियॉन गैस, वी रिक्वायर्ड हाई वोल्टेज एंड अबाउट 10 kV एंड 2 to 6 kV। लेट्स मूव वर्किंग कंडीशन, बेटा सिंपल सा है, स्विच को ऑन करेंगे प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, ए वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट डेवलप अक्रॉस सेकेंडरी साइड विच केम टू इलेक्ट्रोड्स, एंड दिस वोल्टेज इज डिस्चार्ज अक्रॉस इन नियॉन गैस। ओके, डिफरेंट कलर भी है ऑब्टेन बाय मिक्सिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज विद नियॉन, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। मेन लुक एट दिस एग्जाम्पल डियर, सो दिस इज अवर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ओके गाइस, दिस इज अवर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब आप देखिए, ये जो यूज होता है मेनली एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है, यूज फॉर, आपने देखा होगा होटल कोई है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, तो पुराने टाइम में वी यूज दिस टाइप ऑफ लैम्प फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। अब तो एलईडी वगैरह आ गया, एडवांस हो गई हैं चीजें, तो वो चीजें अब चली गई, लेकिन पुराने टाइम में हम ये सब का यूज करते थे फॉर एडवर्टाइजमेंट नियॉन गैस, ठीक है, नियॉन लैंप का एप्लीकेशन आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जनरली यूज फॉर एडवर्टाइजमेंटिंग ऑफ लेटर टू एंड विच इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड, लेटर हैविंग मोर देन टू एंड्स, द ट्यूब पाथ इज रिपीटेड फॉर सम पोर्शन, इट्स नन ऑफ दिस अवर बिजनेस। बस आपको इतना याद रखना है, एडवर्टाइजमेंट पर्पस, नियॉन लैंप इज ए कोल्ड कैथोड लैंप, इट विल गिव डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बाय मिक्सिंग विद एचजी एंड आर्गन, इट इज यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, इट यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर विच प्रोवाइड 1000 kV एंड 2 to 6 kV वोल्टेज रेटिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, यानी सोडियम पेपर लैंप से भी सबसे ज्यादा वोल्टेज देता है। हैलोजन लैंप, दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बस इसे आप याद रखिएगा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टंगस्टन फिलामेंट लैंप। ओके गाइस, इट्स ऑपरेटिंग टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द डायग्राम ऑफ हैलोजन लैंप। ओके गाइस, नाउ कम टू द फोटोमीटर। सो बेटा फोटोमीटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द इल्यूमिनेशन। ओके, कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन और amount of light falling from the light source. Okay, so for calculating, for designing purpose, we have to use this photometer in houses, offices, commercial and industrial places to measure the illumination. I already said that. ठीक है, मैंने पहले ही बताया आपको,
अब दिस इज द डायग्राम ऑफ अवर फोटोमीटर. ओके गाइस, सो हेयर आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन जो आप मेरे को कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे. ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ कलर एमिटेड बाय सोडियम वेपर लैंप एट स्टार्टिंग, ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ कलर गिवन बाय द नियॉन गैस व्हेन कंबाइंड विद एचजी. ओके, सो ये कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइएगा क्वेश्चन. ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है. दीज थ्री वीडियोज आर मोर देन सफिशियंट फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम. ओके, एट द एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट आई विल गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. एंड सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, क्रिएटिक्स टीम को सपोर्ट करिए हमारी, ठीक है, लाइक करें वीडियो को, ठीक. एंड गाइज, सम स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर इंग्लिश एंड हिंदी, आई डिस्कस विद माई टीम, टीम ने मेरे को बोला है सर जहां लगे इंग्लिश में यूज कर लीजिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप हिंदी में दीजिएगा. सो गाइज, दैट्स वाई आई विल टेल यू इन द लास्ट, क्योंकि मैं लेक्चर का रिदम नहीं खराब करना चाहता था, थोड़ा आपके और मेरे बीच में बात हो जाए. अभी लॉकडाउन की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा लाइव का भी प्रॉब्लम है, तो जैसे जैसे ये टाइम, थोड़ा सा टाइम और है, पेशेंस रखिए, अभी बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपके लिए आने वाला है. आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे भी फॉलो कर सकते हैं और अनअकैडमी पे मेरे स्पेशल सेशन को भी ज्वाइन करके सकते हैं और प्लस पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं. तो इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइज, सब्सक्राइब चैनल, शेयर दिस वीडियो, टू मच शेयर दिस वीडियो. ओके, तो अब आपको कंटेंट अगर हम दे रहे हैं तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा. ठीक गाइज, थैंक यू सो मच.